नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली। चलिए हम चलते हैं गांव खुर्द में, जहां एक पार्क का विमोचन किया जा रहा है। देखते हैं वहां है क्या खास। बात करते हैं श्री देवेंद्र कुमार जंगाला जी से। आज प्रधान जी के नाम पे इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम का आयोजन जो है नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली ने किया है। माननीय सांसद श्री पद्मश्री श्री हंसराज हंस जी इसके उद्घाटन करता थे। इस पार्क का जो है उन्होंने इस प्लेग्राउंड का जो है नामकरण श्री अमरनाथ प्रधान जी क्रीड़ा स्थल किया है। इसके लिए पूरे गांव को हार्दिक बधाई। हमें भी बहुत बहुत गर्व, हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि इस इलाके में उनके योगदान को जो है एक सम्मान दिया गया है। अच्छा, इस मौके पे इतने बड़े यानी पब्लिक जो देख रहे हैं हम, और इन्हें सरकारी जुडिशियल भी दिखाई दे रही है, जज साहब भी दिखाई दे रहे हैं, क्या खास विषय? ये श्री अमरनाथ जी का जो है योगदान जो समाज के लिए था, उसी को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों ने उनको इतना सम्मान दिया गया है। अच्छा, और मैं जानना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में और यानी अतिथि आए हुए हैं, और भी बहुत लोग आए हुए हैं खुर्द गाँव में, ऐसा और क्या खास बात है? देखिए, गाँव बहुत ही पुराना गाँव है, और सबसे बड़ी बात है कि इस गांव में इतना आपसी तालमेल और सौहार्दपूर्ण वातावरण है जो इस गांव को दूसरों से अलग बनाता है। अच्छा, इस गांव के अलावा और भी यानी कई जगह ऐसी हैं जहां यानी आपका ध्यान रहता होगा कुछ, आपकी अलग कोई सुविधा के लिए, जैसे कोई सुरक्षा व्यवस्था के लिए या कोई पब्लिक के लिए कोई ऐसी करना चाहते हैं, ऐसा कुछ अभी मन में है? देखिए, हम क्योंकि जुडिशियल सर्विस से हैं इसलिए हमारी लिमिटेशन है, इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा। ये थे हमारे साथ में जंगाला साहब, धन्यवाद। काम में आए अतिथि से बात करते हैं, जानना चाहते हैं क्या नाम सर आपका? मैं प्रशांत कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का ही हूँ। इस गांव में आकर, खुर्द गांव में आकर के आपको कैसा लग रहा है कि आज यहाँ बता रहे हैं, जैसे कि पूरी जुडिशियल दिल्ली की और आसपास के जज साहब भी इतनी भारी मात्रा में यहाँ है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है जी, इतने जज साहब एक साथ इकट्ठे देख के तो अच्छा तो लगता ही है, और बड़े गौरवान्वित भी महसूस होते हैं, और ये जान के और भी ज्यादा अच्छा लगता है कि जिस फंक्शन में उस परिवार का एक व्यक्ति इतने ऊंचे पद पर आसीन है, तो हमारा तो सीना और चौड़ा हो जाता है जी, कि इन्होंने हमें याद किया, सम्मान दिया। देखिए कितनी अच्छी बात है कि इसी गांव के यानी जो आज है जज साहब लगे हुए हैं, और बहुत ही अच्छा सम्मान का टाइम है, और इतनी जुडिशियल को देखते हुए, इतने लोगों का प्यार देखते हुए, और सुना है ये जगह मतलब लोगों को दान दी हुई है, किस तरह का मंदिर, किस तरह दान जी? जितना मैं इनके जानता हूँ, बहुत अरसे, बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ खैर जज साहब से, मेरे साथ लॉ भी किया उन्होंने, मैं क्लासमेट रहा हूँ, तो अंकल जी से मुलाकात होती रहती थी कभी कभी जब आते थे, तो इनका स्वभाव शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है, सामाजिक रहे, और समाज के लिए हर तबके हर व्यक्ति के लिए उन्होंने सोचा, आगे बढ़े, प्रधान भी रहे। और एक बात कहूंगा कि प्रधान कोई व्यक्ति ऐसे तो बन नहीं जाता, जब लोगों की सहमति होती है तभी बनता है, यहाँ अपनी मर्जी नहीं चलती, ये कोई आम चुनावों की तरह तो नहीं है कि आपने पैसे देकर टिकट खरीद ली और बन गए, यहाँ तो लोगों की सहमति होती है तभी व्यक्ति आता है ना आगे, तो ये बने तो आने के लोग ने चाहते थे, पसंद करते थे, और वही परिवार और वही जो लगाव है पूरे गांव का, वो मैं देख रहा हूँ जिस तरह से लोग यहाँ इकट्ठे हैं, तो इनके साथ बरकरार है, तो उनका आशीर्वाद मैं ये बहुत अच्छा मान रहा हूँ कि अभी तक उन पर चल, हम तो ये दुआ करके वो चलता रहेगा जी। चलिए मैं बात करता हूँ हमारे साथ एक अफसर, हमारे साथ हैं केपी सिंह साहब, जो बड़ी ही तारीफ की है इन लोगों ने, हम जानना चाहते हैं सर आज यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको, इस गांव खुर्द गांव में जो कार्यक्रम हो रहा है इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे सामाजिक हमारे रहे हैं जिन्होंने सरकार के लिए सोचा, जिन्होंने जो है गरीब तबके के लिए सोचा और अच्छा काम किया। ये जो जमीन है, ये जो जगह है, उन्होंने इंक्रोचमेंट से गिराई, इंक्रोचमेंट से बचाई, और गांव में जितने भी काम हुआ डेवलपमेंट के, उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और शिक्षा के मामले में उनका बहुत ज्यादा ध्यान रहा, और जैसा आप जानते ही हैं कि जो उनके बच्चे हैं, बेटे हैं, वो जज हैं, और पूरा परिवार बहुत अच्छा कामयाब है, और एक अच्छे सोच के साथ में चल रहे हैं समाज की सेवा करने के लिए, और ये मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस जगह को उन्होंने एमसीडी को हैंडओवर किया, जिसमें बच्चे खेलेंगे, बच्चों का शिक्षा अच्छी होगी, और हमें सब बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की जो इन्होंने एक रास्ता बनाया है, वो ये वाकई में ही
बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए और हम उनके आभारी हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और इस पूरे परिवार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने मौका दिया और हमने इस प्ले ग्राउंड को उनके नाम से नामकरण करके हमने MCT खुद कृतज्ञ है, खुद आभारी है। तो हमें आज बहुत खुशी का अवसर है, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा एक और जानना चाहते हैं, इसमें MCD भी अपनी तरफ से कोई योगदान कोई अधिकारी करेंगे? इसमें जो भी कार्य है जैसे वॉकवे है वो बनाएंगे और इसका डेवलपमेंट का काम समय के हिसाब से, पब्लिक के रिक्वायरमेंट हिसाब से वो भी समय समय पर बजट के हिसाब से वो कर दिया जाए, करेंगे इसको, इसको एक मॉडल बनाएंगे, मॉडल पार्क बनाएंगे। यहाँ आज कैसे आए? मैं देवेंद्र जंगाला जी मेरे सीनियर होते थे, हमने लॉ इकट्ठी करी है, मेरे एक साल सीनियर थे और लास्ट से ही हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप भी एडवोकेट हैं? हाँ जी, मैं एडवोकेट हूँ। कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? मेरे 30,000 में प्रैक्टिस करता हूँ, वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट दिल्ली में तो सारे कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं। जज साहब कहाँ पर है? जज साहब एट प्रेजेंट पटियाला हाउस है। अच्छा अच्छा, चलिए ये थे हमारे साथ बड़े एडवोकेट, मतलब सीनियर एडवोकेट हैं और मतलब बड़ा अच्छा बताया अपने सीनियरों के बारे में और इस गांव में आकर बड़ा ही अच्छा इनको लग रहा है, धन्यवाद इनका। चल दिए और बात करते हैं, और कैसा लग रहा है? फंक्शन में आए सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और कॉर्पोरेशन की तरफ से इस खेल परिसर को डेवलप किया जा रहा है और बहुत अच्छा डेवलप किया जाएगा। आगे जो भी और हमारे साहब के निर्देशन में और कमिश्नर साहब की अप्रूवल से आगे भी बहुत तरक्की जाएगी। कमिश्नर साहब आज कुछ बोल के गए? कमिश्नर साहब आज नहीं कुछ कहते गए और इसमें जो शामला साहब का योगदान है इस क्रोज लैंड को छुड़वाने में और उसका ये पब्लिक के लिए इंटरेस्ट उनका बहुत योगदान रहा है। कॉर्पोरेशन ने उनके सहयोग से जमीन को रिकवर किया और अब डेवलप कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये थे हमारे यहाँ के और मेहमान, चलो बात प्रार्थना है जंगाला साहब का स्वागत करेंगे। अमित बंसल साहब से भी करपत्र प्रार्थना है कि वो मंच पर आए, देवेंद्र जंगाला साहब उनका स्वागत करेंगे। प्रशांत जी से भी जिस साहब से गुजारिश है कि वो मंच पर आए, जंगाला साहब उनका स्वागत करेंगे। सिमट कर रह गया है यहाँ तक और पीछे वालों को कुछ पता नहीं चल रहा किसका स्वागत हो रहा है किसका नहीं। प्लीज कृपया एक बार सारे बैठ जाइए, एक बार जज उमेश कुमार सर जी, उमेश कुमार जी वेलकम सर जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। आप सब को कुर्सी तो मिल गई, आपके स्वागत के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। जज शैलेंद्र नागवाल सर जी, क्या बात है, सो खेड़ा कला की जो है किस्मत बदल गई, जज ही जज है। आपका भी इंतजार हो रहा स्टेज पे, प्लीज आइए। भैया कैमरा मैन सच में किसी को कुछ नहीं दिख रहा, आप इन फोटो को कहां दिखाओगे बाद में, कोई नहीं देखेगा। अंकुर जज अंकुर पंकाल जी सर का स्वागत हो रहा है, वेलकम सर खेड़ा कला। जोरदार तालियां बजा दो और जो कुछ खाया पिया थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा, और जिसने नहीं खाया है ना तो उसकी जगह बन जाएगी।